में कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते करनाल के लघु सचिवालय में आए दिन कोई न कोई स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थान के बच्चे पहुंचकर जिला उपायुक्त से ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दयाल सिंह कॉलेज के बड़ी संख्या में बच्चे लघु सचिवालय पहुंचे और ऑनलाइन पेपर करवाने की मांग करने लगे। लघु सचिवालय में आए हुए छात्र छात्राओं ने कहा कि कोरोना के चलते दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल पहले ही अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, इसलिए सभी बच्चों में डर का माहौल व्याप्त है। कोरोना की वजह से कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए मांग की जाती है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज द्वारा छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाए। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन ही पढ़ाई की गई है, इसलिए परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन ऑफलाइन परीक्षा देने पर खड़ा हुआ है, जो कि बच्चों के हित में नहीं है, इसलिए वह आज जिला उपायुक्त से मिलकर ये गुहार लगाने आए हैं कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएं। इस मौके पर दयाल सिंह कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेजों के छात्र भी लघु सचिवालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। हमारे पेपर जो हैं ऑनलाइन होने चाहिए। ऑफलाइन का कुछ तो यूनिवर्सिटी से नोटिस आया कि हमारे जो पीजी के हैं फर्स्ट सेम के वो ऑफलाइन होंगे। कौन से स्कूल से आए आप? हम दयाल सिंह कॉलेज से हैं सर। अच्छा, तो क्यों ऑनलाइन क्यों मांगे? कोरोना की वजह से है सर। हमारे प्रिंसिपल सर पिछले वीक एक महीने पहले लास्ट ईयर जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, कोरोना की वजह से हुए हैं, और बाकी सब के जो है एग्ज़ाम थर्ड ईयर के सब के ऑफलाइन ऑनलाइन ले जा रहे हैं, तो हमारे स्पेशल हमारे क्यों जो है ऑफलाइन लिए जा रहे हैं? हमें ये डर है कि जो है हमें भी हो सकता है, सबको हो सकता है। स्टाफ मेंबर्स भी हैं, अभी जो है दो तीन टीचर्स जो है वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सर अभी जो परसों की न्यूज आई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 54 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन सबके लिए कौन पॉजिटिव है, पेरेंट्स या फिर टीचर या बोसमैन? उनमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब? अभी रिसेंटली एक कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट की भी डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से। लेकिन प्रशासन तो कहता है जो नलायक बच्चे हैं वही मांग कर रहे हैं ऑनलाइन। हमें वो दिक्कत कोई नहीं है, हम ऑफलाइन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन सबके लिए ये रूल होना चाहिए। सिर्फ स्पेशल पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए क्यों? सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्यों ऑनलाइन दे? सिर्फ सबके लिए ऑफलाइन दे, सबको देना चाहिए। तो फिर रूल सबके लिए एक होना चाहिए। एक्ट 14 में भी ये लिखा हुआ है कि सब रूल सबके लिए एक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक है। तो फिर बाकी स्टूडेंट्स के क्यों ऑनलाइन लिए जा रहे हैं? उन्हें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या मांग है आपका? सिर्फ ऑफलाइन। आप किस लिए आए हैं? आपकी क्या मांग? इसलिए आए हैं कि अगर ऑफलाइन करने हैं तो सबके करो, नहीं तो फिर हमें भी दो ऑप्शन दिए जाए, या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हमें चूज करने। किससे मिलोगे? हम आज डीसी सर से मिलने आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने आए कि वो हमारी इसमें हेल्प करें। कौन से स्कूल से हो? हम दयाल सिंह कॉलेज से हैं, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं। मोड में हो? जब हमारी क्लास अभी तक ऑनलाइन लगी है, और बल्कि अल्टरनेट डेज पे लगी है, ऑफलाइन लगी भी है तो अल्टरनेट डेज पे, जिनके साथ साथ लैब भी होती थी, और अब हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम ब्लेंडेड मोड में, हमें ऑप्शन दिया जाए या ऑनलाइन या ऑफलाइन। जब सब बच्चों कैसे हुए हैं, पीजी थर्ड सेम के भी ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हुए हैं। तो किससे मिलोगे अभी? डीसी ऑफिस पे आएंगे। तो अगर डीसी नहीं मानता तो क्या कदम होगा अगला? तो हम सड़कों पे हम जाम। क्या नाम आपका? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।